हेलो स्टूडेंट्स तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे इसका नाम अंकित सिंह जैसे कि आप सभी को था मेरा भी नाम अंकित है स्टूडेंट चैनल में हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार थोड़ा सपोर्ट अपनी तरफ से जरूर दिखाओ स्टूडेंट आप अगर एम एस सी के स्टूडेंट हो तो जैसे कि मैंने कल यार इंपॉर्टेंट चैप्टर के वेटेज बताए थे आज मैं आपको चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन टॉप टेन चैप्टर्स के मतलब जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वही बताऊँगा ये नहीं कि बुक वुक में से देख प्रीवियस ईयर में आए हैं तो बता रहा हूँ ठीक है देखो सबसे पहले इंटी जो इंटीग्रल्स है उस चैप्टर से क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है और उसमें 28 सवाल 28 सवाल मतलब पूछे जा चुके हैं ठीक है तो अगर 28 सवाल ये मैं आप समझ जाना कि ये 28 सवाल एक ईयर में नहीं है ये प्रीवियस टेन ईयर के एनालिसिस है कि मतलब इसमें जो है मतलब प्रीवियस फाइव ईयर के एनालिसिस है जिसमें कि इंटीग्रल चैप्टर से अट्ठाईस सवाल अभी तक पूछे गए हैं अगर पाँच ईयर से देखा जाए तो एक ईयर में कितना होगा लगभग लगभग आप देखो तो छः या पाँच सवाल ऐसे वेरी कर रहा है ठीक है अगला आता है थ्री ज्योमेट्री थ्री ज्योमेट्री से भी ट्वेंटी सवाल पूछे गए यानी कि वही पाँच छः सवाल हर साल प्रॉबेबिलिटी से बाईस सवाल यानी कि लगभग लगभग चार सवाल हर साल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उन्नीस यानी कि चार सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन से अठारह यानी कि लगभग तीन चार सवाल स्ट्रेट लाइन से सत्रह वही तीन चार सवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पंद्रह सवाल मतलब तीन तीन सवाल मैथमेटिकल रीजनिंग से पंद्रह सवाल यानी कि ये देखो यहाँ इंपॉर्टेंट वाली बात देखने वाली कि मैथमेटिकल रीजनिंग एक इजी चैप्टर एक मतलब आ, हर स्टूडेंट को आने वाला चैप्टर क्योंकि पहला चैप्टर था सबने ध्यान लगा के पढ़ा होगा तो ये चैप्टर से पंद्रह सवाल आ रहे हैं लगभग एवरेज ले ले तो हर साल तीन सवाल आए हैं तो फिर ये चैप्टर में तीन मार्क्स तीन नहीं छह मार्क्स आपके फ्री हो जाएंगे स्टूडेंट ये जरूर कर लेना अगला देख लो कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी यार ये चैप्टर तो सबसे आसान होता है यार मतलब मुझे ये लगता है कि यह जो एल सी होती है एकदम आसान चैप्टर होते हैं जिसमें सवाल पूछे गए सवाल भी कम है थोड़े दो तीन सवाल हर साल वेक्टर, अलजेवरा। वेक्टर अलजेवरा और अल्जेब्रा वेक्टर अल्जेब्रा में बारह सवाल पूछे गए वही दो तीन सवाल लिमिट और डेरेवेटिव दस सवाल पूछे गए तो डेरेवेटिव मैं आपको बताया था तो डेरेवेटिव सवाल पक्का आता है और लिमिट कम कम पूछते हैं ठीक है मेट्राइसिस मेट्राइसिस भी एक इजी चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड सवाल मतलब बन जाते हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पे ही सवाल आते हैं प्रॉपर्टीज देख के जाना दस सवाल देखो इस तरीके का कुछ वेरिएशन है आ, इसको जरूर समझो जो चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं उन्हें जरूर करके जाओ क्योंकि उनसे वेटेज ज़्यादा है ठीक है बाकी वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना वीडियो एंड करते हैं थैंक यू